चलें लेट्स स्टार्ट दी प्रो। अच्छा इससे पहले कि मैं इसकी बाकी चीजें आपसे शेयर करूं, कुछ क्रक्स इसका पहले मैंने निकाला हुआ ओवरऑल व्यू जो इस वजह से है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये है कि फोर मेन पॉइंट्स जो इसको पढ़ने के बाद आपको पता लगे, जो मैंने पहले शेयर कर दिया, इसको पढ़ने के बाद जो क्रक्स है वो ये पहला कि पॉलिसी में तो एज सच कोई खास चेंज नजर नहीं आ रही कि अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर के लिए क्या करना है, वो ऐसा किसके अंदर कुछ नहीं नजर आ रहा। नंबर वन। नंबर टू, विद होल्डिंग टैक्सेस पे आपको पता है 1% रेट बढ़ा दिया है, सेल टैक्स पहले इस तरह से खड़ा हो गया था, इसमें भी विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिए उन्होंने, हर एक को 1% से उन्होंने इंक्रीज कर दिया। बीटीबी के लिए ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए क्या होगा, वो एज सच इसमें कुछ भी चीज जो बना था उसको भी बंद किया, फिर भी बंद किया, क्या वाकई आपका मुल्क इतने लोगों के साथ 60 लाख एनटीएल होल्डर और 42 लाख मैक्सिमम रिटर्न आपकी आती है डायरेक्ट टैक्सेस में, तो क्या आप बाकी लोगों का बोझ इन पर डाल के रिकवरी कर लेंगे। नंबर फोर, सैलरी के लिए एक्सपेक्टेड था कि रिलीफ आएगा, लेकिन एज सच अभी आपको पता 6 लाख रुपए का 0% टैक्स है, 50,000 में तो बंदा एक बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, आप इसको कैसे ये रिलीफ जो है इसको, पर अब उनकी अपनी मजबूरी है, हमारी अपनी मजबूरी, हमारा मुल्क है, हमने अच्छाई भी इसी की करनी है बुराई भी इसी की करनी है, लेकिन वो फैक्चुअल बेस पे हो, खाली बातों से नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है, क्योंकि इससे बाद तो बजट की सारी चेंजिंग है वो तो मैं आपसे शेयर करूंगा, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद जो मुझे पता चला है कि 9200 बिलियन का जो बजट है मुझे बनाने जा रहे हैं रिकवरी हो। पहला क्वेश्चन, क्या हम इतने पैसे रिकवर कर लेंगे जबकि पहले जो लास्ट ईयर पहले भी शॉर्टफॉल अभी आपका पूरा नहीं हुआ। नंबर वन। नंबर टू, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस वैसे इसके अंदर नहीं है। दो। नंबर थ्री, जो हर फोरम पे मैंने ये पॉइंट रेज किया, आप जरा अपने बजट में जाके ना अपना मार्कअप तो चेक करें जरा, तो बंदे के होश ठिकाने आ जाएंगे। इस वक्त 7200 बिलियन का मार्कअप है, तो भाई खुदा का नाम है बहुत हो गया अब, और कितनी अब आपने लाइनरी या नलैकी या किस क्या नाम नाम में लो, मुल्क में रही है हम भी लोग शामिल है, 9200 जो उन्होंने इकट्ठा करके देना आपको बिलियन, उसमें 7200 बिलियन तो मार्कअप है जनाब, लोन कितना होगा। तो भाई आंखें कान और दिमाग अब खोलो भाई, अब तो बस करो यार, बहुत हो गया है, हर दफा नेगेटिव बजट सुन सुन के तंग आ गया हूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान बना आज तक मुझे किसी ने बताया, मेरी पैदाइश से पहले कुछ होते मुझे पता नहीं, 54 ईयर्स का तो मैं भी हो गया हूं, मैंने आज तक पॉजिटिव बजट कभी नहीं देखा पाकिस्तान, उससे पहले कहते हैं शायद कोई एक दो दफा था, वो कैसे था वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, वरना आज तक कभी डेफिसिट से हम बाहर नहीं आए। तो सवाल अब ये है, इसको मैं क्लोज करता हूँ ओवरव्यू को, ये जितना पैसा कमा रहे हैं व्हाटएवर, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम्स, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, व्हाटएवर यू आर अर्निंग, ये हम अपने लिए कमा रहे हैं दूसरों के लिए, तो क्या हम वाकई आजाद हो गए, मुझे तो नहीं लगता, हम आजाद होके भी आजाद नहीं हुए। तो एक इस लोन के बारे में पूरी कौम को मिलके ये सोचना पड़ेगा, वेयर एवर यू आर, व्हाट एवर यू आर, हू एवर यू आर, और कुरान मजीद तो साफ कहता है कि मार्कअप में तो बरकत है ही नहीं भाई, तो फिर हमें और क्या सोचना है, जब तक हम इस लानत से नहीं बचेंगे तब तक आप जितने मर्जी बजट बनाते रहे, जो मर्जी आप करते रहे, बरकत तो नहीं पड़ने लगी। तो ये तो पहला ओवरव्यू था जी, अब मैं आ रहा हूं अमेंडमेंट्स की तरफ, के अच्छे पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं, सारा मिक्स अप हुआ हुआ। ये मैंने लिंक्स लगाए हुए जी, एक सेकंड में आप क्लिक करेंगे ये फाइल आपको मिल जाएगी, ये बड़ा फायदा है, इसमें मेहनत एक दफा करनी पड़ती है, आप क्लिक करेंगे आप शीट पे पहुंच जाएंगे जहां से जाए, आप वापस क्लिक करेंगे वापस ऊपर आ जाएंगे। तो पहला ओवरऑल था, अब मैं आ रहा हूं सीधा आपके पास, पहला पॉइंट शॉर्ट टाइटल है एक्सटेंट,
आपको पता है हर लॉ में शुरू में सेक्शन जो टू सेक्शन वन आपको बताता है कि ये इसका नाम क्या होगा। अच्छा, इसमें जितनी अमेंडमेंट्स है ना, पहली मेरी सजेशन, पहली रिक्वेस्ट नहीं है, ये अभी प्रपोज है, इसको फाइनल मत समझिए। जब तक ये एक्ट का हिस्सा नहीं बन जाता तब तक इस पे कोई भी आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं करनी है। सो कुछ चेंजेस होंगी, कुछ ऐड होगा, कुछ डिलीट होगा, कुछ अमेंड होगा, कुछ अल्टर होगा, तो जब तक एक्ट ना बन जाए इसको पूरे मुल्क में वबा की तरह फैलाने की जरूरत नहीं है। बट ये भी एक सच है कि 90-95% यही होता है, 5-10% की चेंजेस होगी अगर हुई तो। इसलिए आप पोस्ट बजट के बाद एक्ट के ऊपर कोई सेमिनार नहीं करते, हमेशा आप इसके ऊपर बिल के ऊपर सेमिनार करते। चले नेक्स्ट। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है जो मैंने इसमें देखा, इसकी तीन क्वेश्चंस के बगैर आप किसी भी लॉ को नहीं समझ सकते। ये किस पे अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा और कैसे होगा, ये बेसिक तीन क्वेश्चन है। पहले तो पहला सवाल ये है कि ये अप्लाई कब होगा, तो मैंने एक चार्ट अलग से बना लिया है जिसमें आपको चार डेट्स अलग नजर आ जाएंगी, बाकी सब आपका 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा। ये डेट्स वाली आपकी शीट आपको सामने नजर आ रही है, 1990 एडिशनल टैक्स, सुपर टैक्स, और जो आप ये पहले दो जो है ये टैक्स, ये 2023 से एप्लीकेबल। उसके बाद 5 अगस्त ये आपके जो 66 क्लॉज है सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 के अंदर जितनी अमेंडमेंट्स है स्वाइन के 7 नंबर पे जो 3 months, इसमें ऐसे में पीरियड है जो एक्सपायर हो चुका हो उसको भी कवर किया होगा। जैसे आप 7 नंबर पे देखेंगे तो 1 दिसंबर से 2022 से आपको 3 माह की एग्जेंप्शन जो ऑलरेडी के एक्सपायर हो चुका है उसको भी उन्होंने दे दी है। और नेक्स्ट आप दूसरा जो 8 वाला देख रहे हैं वो उन्होंने 31 दिसंबर 2022 से उन्होंने दिया है पार्ट 4 में, और लास्ट वाला भी आपका 5 अगस्त और उससे ऊपर वाले सारे 5 अगस्त। तो क्रक्स ये है कि चार डेट्स आपके पास है, 2023, 5 अगस्त, 3 months जो एक्सपायर हो गए, 31 दिसंबर 2022, बाकी जितनी इसकी अंदर अमेंडमेंट्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस में वो एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जुलाई 2023 से, यानी वो टैक्स ये 2024 में रहेगा। नेक्स्ट है जी मेरे पास, जैसे मैंने बताया कि मैंने लिंक लगाए हुए, ये मेन शीट है। अब अगर मैं आपको चेक करा दे तो जैसे मैं शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड में गया, इसको मैं क्लिक करूंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने आपको ये करा दिया, डेफिनेशन है जी। नेक्स्ट मेरा 2 का 29 है, इनकम के अंदर ही उन्होंने बेसिकली आपको पता है कि इस पर बोनस शेयर्स को ऐड कर दिया है, तीन चार जगहों पे ये चला गया। बोनस शेयर्स आपकी इनकम, देखिए इनकम होगी चाहे वो डीम्ड इनकम है। इनकम की डेफिनेशन में चार चीजें शामिल होती है, आपकी नॉर्मल इनकम, फाइनल डिस्चार्ज, लॉस ऑफ इनकम एंड डीम्ड इनकम जो 111 सेक्शन या अदरवाइज आपकी इनकम बन जाती है। ये चारों को आप ऐड करेंगे तो आपकी इनकम आ जाएगी आपके पास। तो उसमें उन्होंने ये जो बोनस शेयर है जो कि पहले एक्सक्लूड हो गया था इसको वापस रीइंस्टेट करके तो बोनस शेयर्स को इनकम की डेफिनेशन में ऐड किया। अब इनकम में जाएगा तो फिर आगे के स्टैंड में जाएगा, फिर अदर इनकम में जाके भी उन्होंने ऐड कर दिया, वो आगे स्लाइड आएगी मैं उस पर बात नहीं अब करूंगा। अदर इनकम में भी ये चला गया और विदहोल्डिंग टैक्स इसका 236Z है जो उन्होंने ऐड कर दिया है बोनस शेयर्स के ऊपर, और ये 10% जो टैक्स कटेगा बोनस शेयर्स पे ये फाइनल डिस्चार्ज होगा उस शेयर होल्डर के लिए जिसको कि ये मिलेगा। अच्छा आगे चलते हैं जी। अब नेक्स्ट है मेरे पास परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, इसमें दो वर्ड्स ऐड हो गए जी। जहां फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस था, अब अगर आप फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो तब भी वो एंटिटी जो नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान में काम करेगी उसको परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का स्टेटस मिलता है। नंबर टू, जो सर्विसेज आप एम्प्लॉइज या पर्सनल देते थे उसमें उन्होंने एंटिटी भी ऐड कर ली है, यानी बिजनेस को भी कवर कर दिया। नेक्स्ट मैं आगे जा रहा हूँ जी, वो मेरे पास है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक नजर दिखा देता हूँ। ये आपके सामने है, इसमें जो दो अमेंडमेंट्स आई है बाकी आप इसको देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है मेरे पास स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, क्योंकि हर शहर में मेरे क्योंकि दोस्त है अल्लाह के फजल करम से, जैसे आप लोग हैं इस्लामाबाद, कराची, गुजरांवाला, मुल्तान, हर जगह से शेयरिंग हो रही है। इस एसएमई के अंदर ना जो चेंजेस आई है ना, उसका हमें ना कोई खास रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। कैसे वो मैं बताता हूँ। पहले तो उन्होंने सॉय मैन्युफैक्चरर के जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं और उनकी टर्नओवर एक साल में 800 मिलियन के अंदर होगी, उनको उन्होंने एसएमई का स्टेटस दिया है नंबर वन, और साथ आईटी एंड आईटी लेबल सर्विसेज को भी ऐड कर दिया है। लेकिन आईटी और आईटी लेबल सर्विसेज को ऐड होने का एडवांटेज हमें एक्सपोर्टर को नजर नहीं आ रहा। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं। जब आप ये कहेंगे कि हाँ जी मैंने इसके अंदर 14 शेड्यूल के अंदर जाना है तो होगा क्या, वहां रेट गिवन है कि अगर आप 100 मिलियन तक टर्नओवर है तो 0.25% है आपकी टर्नओवर का। अगर आप 100 मिलियन से ज्यादा और 250 मिलियन के अंदर है तो आपको 0.5% है, और अगर आपका जो टर्नओवर है वो 250 मिलियन से ज्यादा और 800 मिलियन के अंदर है, ये बराबर है, तो 0.75% ऑफ द टर्नओवर आपको देना पड़ेगा। तो मेरे पास 154 है, पहले 0.25 है, मुझे क्या जरूरत है इसमें आने की। अच्छा आप कहते हैं ऑडिट नहीं होगा, तो ऑडिट करके करना क्या आपने, इनकम तो मेरे टैक्स लगना नहीं, सप्लाईज में मेरे टैक्स है नहीं। तो बेसिकली एज सच 154 ए में जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है उसको इसमें बेनिफिट मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, बल्कि नुकसान हो रहा है उल्टा। और एक और उन्होंने एक और काम किया है कि पहले ये अनलिमिटेड था, जब मर्जी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका कोई ईयर में लिमिटेशन नहीं थी, अब उन्होंने 2026 तक की लिमिटेशन लगा दी है कि 26 तक 24 25 26 तक 0.25 होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई पता नहीं। ये नॉर्मल टैक्सेस जीप में जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, क्या होगा कोई पता नहीं। अब रहेंगे वो लोग जो आईटी की सर्विस लोकल लेते हैं, उनका क्या करना है, क्योंकि उसके इसके मुताबिक वो 14 शेड्यूल में जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो जा सकते हैं तो क्या वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो सकेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी जो इंफॉर्मेशन आई है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के लॉ के अंदर एक्सपोर्ट के अलावा तो रजिस्ट्रेशन ही अवेलेबल नहीं है। तो जब तक आप उधर अमेंडमेंट नहीं कर देते तब तक आप लोकल इंडस्ट्री को भी जो आईटी लेबल सर्विसेज है उनको तो मुझे बेनिफिट इसके अंदर नजर नहीं आ रहा। तो शायद वो इसमें अमेंडमेंट करें उस लॉ में, तो फिर ये बेनिफिट लोकल आईटी एंड आईटी लेबल वाले को होगा, अदरवाइज नहीं है इसके अंदर। मैन्युफैक्चरर के लिए अच्छी खबर है, आप अपनी टर्नओवर का जितना भी आप जिस स्लैब में आप फॉल करेंगे आप उसके मुताबिक वो पे कर दें तो आपको ऑडिट भी नहीं होगा, मिनिमम टैक्स भी नहीं लगेगा, जो आपकी सप्लाईज पे कट गया वो भी मिनिमम भी होगा, 113 भी सेक्शन का भी नहीं लगेगा। तो बड़ी अच्छा इंसेंटिव है फॉर द मैन्युफैक्चरर, कोई भी इदारा चाहे वो इंडिविजुअल एओबी या कंपनी है, अगर वो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में है, प्लस दूसरा पॉइंट वो सेल टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड है, क्योंकि सिस्टम जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है उसको वो उठाता ही नहीं है, उसको वो मैन्युफैक्चरर अकाउंट फॉर करता ही नहीं है। और ये आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरर को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी है, उसके बगैर आप आगे जा नहीं सकते। तो जब तक आप उधर रजिस्टर्ड नहीं है, जो एग्जेम्प्ट वाले हैं या अदरवाइज है, उन लोगों को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो उठा नहीं सकेंगे। अच्छा जी नेक्स्ट सुपर टेस्टिंग। सुपर टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता बड़ा लड़ाई पड़ी रही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, अब सुप्रीम कोर्ट में ये पड़ा हुआ है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट अब क्या कह रहा है, उन्होंने कहा कि जिन सेक्टर्स को जो 15-16 सेक्टर इनमें ऐड किए गए थे जिन पे 10% होगा, उनको उन्होंने कहा था कि आप ऐसे करें कि आप 4% को भी जमा करा दें, 10% आप ना दें। अब उल्टा ये के बजाय आप लोगों को बेनिफिट देते, आपने एक नया लॉ पास कर लिया और क्या किया, अक्रॉस दी बोर्ड तमाम लोग जो जिनकी 150 मिलियन से ज्यादा टर्नओवर होगी वो इसके अंदर प्रॉफिट सॉरी होगा, तो वो इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप सुपर टैक्स पे करेंगे नंबर वन। और नंबर टू सोने पे सुहागा ये कर लिया कि इसको जो एडिशनल 3 स्लैब ऐड किए 4% के बाद उनको अप्लाई भी 2023 से कर लिया। वो भाई लॉ आप बाद में पास करते हैं अप्लाई मैंडेट भी हो जाता है, क्या ये सबसेक्टिव लॉ नहीं है, क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द टैक्स पेयर जो है वो अफेक्ट नहीं हो रहे, इतने पैसे कहां से वो लेकर आएंगे, कैसे होगा। तो चाहिए ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कंट्रोल करते हैं और उसके मुताबिक। अच्छा एक और भी पॉइंट है इसके अंदर जो
बड़ा टेक्निकल है, जब ये लगाया गया था 4B और 4C वो रीहैबिलिटेशन के लिए था और ये था आपके लिए हाई अर्निंग पर्सन जो इनकम अर्न करेंगे। तो आपने तो कहा था कि वन टाइम होगा, तो वो वन टाइम तो लाइफ टाइम के लिए हो गया भाई, इसका क्या करें? तो आपने कमिटमेंट वहां पे भी खराब कर दी, मसला हो गया हमारे लिए। तो इतना पैसा लाना आसान काम नहीं। नेक्स्ट, आप प्रोफाइल उठा के देख ले, ये नहीं कि मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म करने आया हूं, हमारे मुल्क को पैसे भी चाहिए जनाब। ये 7,200 बिलियन कहां से पूरा होगा? ये अमीरों को से नहीं देना है, इधर से पूरा होना है, चाहे वो बिजली की शक्ल है, टैक्सेस की शक्ल है, पेट्रोल है, व्हाटएवर है, टैक्सेस अदरवाइज जो भी है वो सारे अवाम पे ही शिफ्ट हो रहा है बर्डन। नंबर वन, अब ये आ गया सुपर टैक्स का कुछ प्रोफाइल, मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप इसको जहरी बात है, इसमें फिर कोर्ट में फिर बात जाएगी, फिर वो कहेंगे पिछले जपैन डे में क्यों हुआ जरा, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। 3 लॉज लास्ट ईयर आपको याद है पास हुए थे, 4C का सुपर टैक्स, 7E आपका जो डीम्ड इनकम पे टैक्स था, और CBT आपके दो तीसरा लॉ। ये तीनों लॉ लास्ट ईयर पास हुए और तीनों ही बैक डेट पे चले गए और तीनों ही कोर्ट में चले गए, तीनों लिटिगेशन में पड़े हुए हैं। 7E तो फारग हो गया, बाकी बच गया ये आपका जो अच्छी खबर। मैं एक और अच्छी तो नहीं अभी कहूंगा, मैं अभी वक्त से पहले कुछ नहीं कह सकता। लाहौर हाई कोर्ट में CBT की जो हेयरिंग हुई है जी, आर्गुमेंट्स बड़े अच्छे हो गए हमारे शेयर लोगों ने जो किए, और अच्छी उम्मीद हम कर रहे हैं कि एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए इसमें।